बस अभी एक फड़क मारी और पट्टा इधर काफ़ी दूरी पे था, यहाँ से मैंने फड़क दिखाई तो फिर उड़ा तो फिर इधर चला आया। और हल्का लालचीनी में ये देखो, तो दाना पानी दिखाते हैं, लेकिन मैंने ट्रे रख दी है और मुझे वैसे स्टैंड उतारना पड़ेगा। आ और हम हटते हैं किनारे पहले हला, लेकिन डर रहा है, मोबाइल से भी लग रहा है। और स्टैंड रखा हुआ है उधर ठीक वो कमरे में, मैं जाऊंगा नीचे से तो शायद निकल ना जाए। मैंने पानी भी दिखा ले, थका हुआ कबूतर है, हो सकता हो उतर जाए। एक तो ट्रे देख कर डर रहा होगा, क्योंकि अक्सर होता है कबूतर ना देख के डर जाते हैं ट्रे। मूड है उतरने का, लेकिन थोड़ा सा डर उसको बना हुआ है। उड़ने में तो पट्टा लग रहा था, लेकिन बैठने में तो मुझे लग रहा है कि पुराना है क्या, कुछ कह नहीं सकते। उतरने तो वैसे पट्टा ही है छोटा सा। अरे 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 ऐसे साला रुका ही नहीं, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये बड़ा परेशान करेगा, तो कैमरा सेट कहाँ करें जिससे नज़ारे भी मिले। मतलब कि कल वाला कबूतर जितनी आसानी से पकड़ा था उतना ही मुश्किल ये लगा रहा है। देख रहे हो चमक कितनी है पट्टे में, कौआ बोला मुंडी खड़ी। अब आया शेर, इससे पहले दाने का मुंह लगा। तो बड़ा हरामी पंती कर रहा है, बहुत चंट पट्टा। एक तो मैं कैमरा लिया हूँ कि कुछ डंडे वंडे भी नहीं उठा सकता, कहीं ऐसी जगह सेट भी नहीं हो पा रहा कि जहाँ से पूरा सीन आए। मुझे लग रहा है भागेगा, वो ये रहा इधर कहीं, ये साइड में ये देखो, इसको इधर करते हैं पहले। उड़ के वो बैठा है ऊपर, ठीक वो ऊपर टंकी पे।
ये पकड़ा मैंने लाल सिरा पट्टा, जिस हिसाब से चंटपना कर रहा था उस हिसाब से उस टाइम नहीं कुछ किया, मुझे लगा उड़ेगा, मैं झपटू, देख रहा हूँ नहीं उड़ेगा, मैं सोचा झपटू कि ना झपटू। हलवली मच गई, कबूतर एकदम सूख गया है, मतलब इसका मतलब कि कबूतर जिस हिसाब से चंट है और उस हिसाब से लग रहा है बस घर ढूंढ रहा था, पता नहीं कैसे आ गया। तो देख ही सकते हो कि कितना बार नीचे ऊपर किया होगा इसने। मैं बैठ के दिखाता हूँ इतना अंदर। यार मेरा माउंट ना ट्राईपॉड जो तो सही से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा ढीला हो गया ऊर्जा पुर्जा इसका, इसलिए बड़ी दिक्कतें हो रही है। अब सोच रहा हूँ कि इस बार ले लूँ दो नया। हाँ तो ये रहा पट्टा, और एक नंबर, कल वाले से तो बहुत शानदार है कबूतर, लेकिन कल वाला भी कम नहीं था, बस ये है कि उतना अच्छा भी नहीं लग रहा हो थोड़ा सा। वो कबूतर देख सकते हो एक भी कली का नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10 कुंदे देख रहे हो, कुंदे देखो अभी पूरे बराबर तक नहीं हुए हैं, और कबूतर गलती से बस निकल गया है, कैसे निकला पता नहीं। कबूतर बहुत बेहद चालाक है, कमज़ोर बहुत है, लग रहा है कि सुबह से दौड़ रहा है क्या, क्योंकि कबूतर वहाँ पानी जो गिर गया ना, वहाँ देख सकते हो पानी गिरा है, तो वो दाना तो पहले तो शुरू में तो दाना खाया, उसके बाद वो पानी दाना देखो पीछे डाल रहा था मैं, और वो पानी मतलब आगे था, वो बार बार लगा पानी पे चलने की, मतलब शायद पानी कहाँ आस पास होगा, तो इसी में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं तो ये कबूतर हाथ ना आता। जिस हिसाब से ये चंट पना कर रहा था, बार बार उड़ जा रहा था, बार बार उतर रहा था, तो समझ में आ गया कि मतलब जब उस टाइम जब मैं पकड़ दें, इसलिए ना कई बार होता है ना कि पहले कबूतर का रुख समझो कि मतलब वो चाह क्या रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि बिना पानी के भी कबूतर पकड़ लिया जाता है, तो क्यों पकड़ा जाता है। आप मुझे देखे हो गए, अभी तो मैं फिर भी कुछ नहीं दिखाया हूँ, मैंने ऐसा ऐसा तरीके से मतलब कबूतर को ऊपर मारा है ना, अभी मैं वीडियो में जो तो कबूतर के ऊपर सीधे मुंह पे दाने फेंकता हूँ, तो लोग कहते हैं यार कोई कबूतर के मुंह पे दाने फेंकता है और कबूतर भाग भी नहीं रहा है, ये तुम्हारा ही होगा, बेवकूफ़ बना रहा है ये वो फलाना दिमाग का, तो मैं हर कबूतर के ऊपर नहीं फेंकता, पहले दूर फेंको फिर नज़दीक फेंको, तो जब थोड़ा नज़दीक फेंकोगे ना तभी समझ में आ जाएगी कबूतर किस मिजाज का है, क्या चाह रहा है। मैंने तो मतलब पूरे पूरे मग पानी लेके कबूतर के मुंह पे फेंका हूँ और कबूतर नहीं उड़ा, बगल के छत पे बैठा था, मुझे जाने में ना थोड़ी सी मतलब आलस लग रही थी, मैं सोचा उतर जाएगा क्या फेंकू, देख रहा उतर ही नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा, पानी पे पानी दिखाए जा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, गुस्से में वो पानी लेके ना गुस्से में क्या, पहले तो थोड़ा सा 2-4 छींटे मारे, फिर देखा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा मारे, फिर पूरा का पूरा मग लेके उसके ऊपर फेंक दिया मैंने, तब भी नहीं उड़ा, वो अपने बदन पे जो पानी उसके लगा ना, तो लगा वो पानी चूसने, तब मैं समझ गया कि कबूतर जो तो एकदम थका आ रहा है। मैं तब अपने छत से उतर के उस छत पे गया, टंकी पे चढ़ा, पानी लिया और पानी पे पकड़ के लेके आया बिना कबूतर के, तो चलिए इसका पर बांधते, नहीं तो बेकार में अगर अलग रखेंगे तो कबूतर शायद ही दाना पानी खाए, तो अभी कबूतर दाने पे टूटा हुआ है, तो दाने पे कबूतर टूट गया है, तो थोड़ा सा वैसे कुछ मोटा दाना लग रहा है, तो पहले दाना पानी इसको करने देते हैं। तो पर मैंने बांध दिया है, ये देख सकते हो, बस ऊपर पुंगी की तरफ ही टेप मारा है, वो भी कागज़ वाले टेप, क्योंकि प्लास्टिक वाले टेप ना कुछ ज़्यादा ही पर ख़राब कर देते हैं। कल कबूतर पकड़ा, आज पकड़ा, और परसों वाला कबूतर हाथ से निकल गया, वरना अगर वो भी पकड़ा होता तो हैट्रिक हो गई होती है। और कल शाम में पकड़ा था, आज भी शाम का टाइम ही है, करीब करीब मैं समझता हूँ 4:45 हो रहे हैं, और कल जो तो और लेट में पकड़ा था, और परसों वाला दोपहर मतलब सुबह 9:10 का टाइम था जैसे अपना सुबह वाला, तो इसको पहले छोड़ते हैं, दाना पानी करने दो। कबूतर की बैठ देख रहे हो, चलने का स्टाइल देख रहा, कबूतर इतना हल्का है कि उतने में उड़ जा रहा है, कबूतर का जो सिर्फ पंजे आगे का जो पंजा जिसको कहते हैं लोग कहते हैं कि अंगूठे के बल चल रहा है, तो अंगूठा तो खैर पीछे होता है, वो आगे वाले पंजे के बल चलता है, तो लोग कहते हैं कि अंगूठे के बल चल रहा है, तो अंगूठे के बल नहीं कह सकते। देखो कबूतर को पानी चाहिए, तो कुछ देर जाने देते हैं, अभी पहले दाना खिला लें उसके बाद इसे पानी देंगे। उसमें डाल दिया, पानी पिला दिया हूँ मैं, दाने भी पड़े हैं, अपना खाएगा, पानी भी और पड़ा ही है, पीना होगा पी लेगा, वैसे थोड़ा सा दाने और डाल दे रहा हूँ।
क्योंकि बार बार इधर उधर इधर उधर परेशान कर रहा है, उसी में हो जाएगा दिक्कत। पता चला वो इधर उधर घुस जाए और हमें पता भी ना चले और रात में आए बिल्ली आम तमाम। चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।